केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर नगर पालिका सफाई कर्मचारी संघ की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। रेवाड़ी में सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लांबर और उपाध्यक्ष नरेश शास्त्री ने संबोधित किया। सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, मांगे नहीं मानी तो 13 अप्रैल को बिहार के बेगूसराय में राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन कर आंदोलन की रूपरेखा करेंगे तैयार। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर रोडवेज समेत विभिन्न विभागों की देशव्यापी हड़ताल मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रही। रेवाड़ी में सफाई कर्मचारी संघ हरियाणा के कर्मचारी दूसरे दिन भी काम छोड़ हड़ताल पर रहे। सफाई कर्मचारियों ने नगर पालिका के बाहर धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रेवाड़ी में कर्मचारियों की हड़ताल को समर्थन देने के लिए सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लांबर और उपाध्यक्ष नरेश शास्त्री पहुंचे। कर्मचारियों के धरने को संबोधित करते हुए उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की कर्मचारी एवं मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ और कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर हड़ताल चल रही हैं। सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के कारण आज कर्मचारी सड़कों पर उतर रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना 3.5 महीने से जारी है। नगर पालिका सफाई कर्मचारी संघ समेत सभी विभागों के कर्मचारी हड़ताल पर है। कर्मचारी सरकार से ठेका प्रथा खत्म करने, समान काम समान वेतन लागू करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, रिक्त पदों को भरने, पुरानी पेंशन नीति को लागू करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। इन मांगों के बारे में सरकार को कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिस कारण कर्मचारियों को मजबूरन हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल थी, अगर इसके बावजूद भी सरकार ने मांगे नहीं मानी तो सर्व कर्मचारी संघ की ओर से बिहार के बेगूसराय में 13 अप्रैल को राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन कर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा व वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री ने कहा कि अब कर्मचारी आर पार की लड़ाई के मूड में है। जिस प्रकार सरकार कर्मचारियों को परेशान कर रही है, आने वाले समय में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हड़ताल का दूसरा दिन है। हमारे स्टेट बोर्ड के नेता आए हुए नरेश कुमार शास्त्री जी, जो राज्य प्रधान नगर पालिका कर्मचारी संघ के, और सर्व कर्मचारी संघ के लामा जी आए हुए। इन्होंने अभी डिवाइड दिया, आपके जो मांगे हैं वो तो आपको अवगत करा ही चुके हैं, लेकिन आगे अभी 13 अप्रैल को बेगूसराय बिहार के अंदर राष्ट्रीय लेवल की मीटिंग है हमारे नेताओं की, उसके अंदर जो भी आगे का संघर्ष होगा वो तय किया जाएगा, और ये जो हमें कॉल करेंगे उसी के अनुरूप हम फिर संघर्ष का विकल हो जाएंगे। कोई बात नहीं, रोडवेज ने हड़ताल वापिस ले, लेकिन हम हड़ताल वापिस नहीं लेंगे जब तक सरकार से कोई बातचीत नहीं होगी। हमारे 400 करीब सफाई कर्मचारी A to Z बिल्कुल काम। मेन मांग तो हमारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना है। पुरानी पेंशन बाहर ली गए, जोखिम बनता है, जो सरकार ने घोषणा की थी 4,000 रुपये बोल लीजिए, जो कोरोना टाइम में हमारे कर्मचारी जो गुजर गए उनके लिए 50 लाख रुपये का मुआवजा, वो भी नहीं। उससे पूरी अभी मैंने बताया ना, 13 अप्रैल को हमारे सेंट्रल यूनियन की मीटिंग हो रही है, उसके अंदर जो भी फैसला होगा हम उसको बोल चलाएंगे। ये देश की 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन और केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर 2 दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया है, और हम ये दावा कर रहे हैं कि सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद रोडवेज की बसों का चक्का जाम है। सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम, नगर निगम, पालिका परिषद, यूनिवर्सिटीज सब में पूरी तरीके से हड़ताल व्यापक असर उसका है। हम सरकार से ये कह रहे हैं कि 2 दिवसीय सफल हड़ताल का मतलब क्या है? आप जो नीतियां लागू कर रहे हो उससे नाराज हैं, आप जो राज अपना रहे हो कि हम कर्मचारियों से बात नहीं करेंगे, जो कर्मचारियों के संगठन है जो हड़ताल में उससे बात नहीं करेंगे, सरकारी संगठन से बात करेंगे। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर 8 दिसंबर से हड़ताल पे हैं, लेकिन उनको बातचीत करेंगे, मसले का समाधान नहीं करेंगे। वो क्या करी है? माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री घोषणा है, उनको लागू नहीं कर रही सरकार। और मजेदार बात यह है कि जो सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री जी ने
जो 1500 750 की घोषणा की थी बढ़ोतरी की वर्कर हेल्पर की, केंद्र सरकार से वो पैसा आ रहा है 60%, लेकिन राज्य सरकार अपने वर्कर हेल्पर को नहीं दे रही। 4 साल से मोबाइल का टेंडर नहीं हुआ, चार्जशीट ACS की नहीं होनी चाहिए का, टर्मिनेशन किसकी हो रही है वर्कर हेल्पर की। इसलिए हम कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री ने इस पर हस्तक्षेप करें, मांगों का समाधान करें, हड़ताल को समाप्त कराएं उसको आंगनबाड़ी की। जहां तक इस हड़ताल का सवाल है, पुरानी पेंशन बहाल हो, ठेका प्रथा खत्म हो, कच्चे कर्मचारी पक्के हों, और जब तक पक्के ना हो समान काम समान वेतन जॉब सिक्योरिटी उनको मिले। आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, और दूसरी तरफ वर्कलोड और जनसंख्या के हिसाब से 7.5-8 लाख नौकरी खाली पड़ी है। सरकार को इनको भरना चाहिए, भर्तियों के विज्ञापन निकलते हैं, भर्ती रद्द हो जाती है। तो ये जो निजीकरण की जो मुहिम है उसको रोका जाना चाहिए। इन सारे मुद्दों को लेकर के जो कर्मचारियों ने ऐतिहासिक है भूतपूर्व हड़ताल करी है, उसे मालूम पड़ता है कि सरकार से कर्मचारी नाराज हैं। और अगर 2 दिवसीय सफल हड़ताल के बाद भी सरकार ने अपने रवैये को नहीं बदला, तो हम राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुला करके तमाम संगठनों को बुला करके एक व्यापक एकता के साथ हरियाणा में आंदोलन तेज करेंगे। और 13 से 16 ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन का राष्ट्रीय सम्मेलन बेगूसराय बिहार में होगा। वहाँ हमने बैंक के, बीमा के, रेलवे के सभी लोगों को आमंत्रित किया, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, सब मिल करके राष्ट्रव्यापी आंदोलन को तेज करेंगे। नरेश कुमार शास्त्री है और मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का राज्य प्रधान और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का राज्य का वरिष्ठ। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये दो दिन की हड़ताल है, इससे राज्य सरकारों को और केंद्रीय सरकार को सबक लेना चाहिए। जो सरकारों ने राष्ट्रीय संपत्तियों को बेचने का फैसला कर रखा है उसको वापस लें। जो मजदूरों के हित में बने श्रम कानून हैं उनको दोबारा से बहाल करें। ESI, EPF एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, इन सब की बहाली करें और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करें, ठेका को समाप्त करें। हरियाणा में जो कौशल रोजगार निगम बनाया है उसको भंग करें, पुरानी पेंशन बहाल की जाए, 3 क्लास के कर्मचारियों के लिए 35,400 का वेतन और 4200 का ग्रेड में दिया जाए, रिटायर कर्मचारियों के पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाए, और जो सरकार ने स्वास्थ्य को, शिक्षा को, रोडवेज को, तमाम जन सुविधा के जो महकमे हैं, जनता को जो सुविधाएं देते हैं उनको जो सुकेड़ने का, उनको बेचने का फैसला ले रखा है, इसको सरकार, इस पर रोक लगाए। अगर ऐसा सरकार नहीं करेगी तो हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी इसके खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और राष्ट्रीय स्तर पर भी हम अभी 13 अप्रैल से बिहार में सम्मेलन करने जा रहे हैं, राष्ट्रीय सम्मेलन, उसमें विचार विमर्श करके राष्ट्रीय आंदोलन की घोषणा करेंगे। और सरकार को ये 2 दिन की हड़ताल तो टेलर के रूप में है, आने वाले भविष्य में बड़ा आंदोलन झेलना पड़ेगा।